नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। राखी, जो अपनी एक्टिंग से और अपने एक अलग संजीदगी से हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बना चुकी हैं, आज भी उन्हें फिल्मों में देखा जा सकता है अपने अलग तरह के रोल के लिए, खास तौर पर माँ के रोल के लिए। आइए आपको बताते हैं राखी की अनसुनी कहानियाँ। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रानाघाट स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम राखी मजूमदार था, जिसको उन्होंने शादी के बाद बदलकर राखी गुलजार कर दिया था। राखी के जन्म के कुछ देर पहले ही भारत में आजादी की घोषणा हुई थी। उनके पिता का बांग्लादेश में जूतों का व्यापार हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने अपने व्यापार को पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया। राखी ने अपनी स्कूली शिक्षा रानाघाट के गर्ल्स स्कूल में प्राप्त की। उनके एक बड़े भाई शिवरंजन मजूमदार हैं, जो बंगाली फिल्मों के निर्माता रहे हैं। कम उम्र में ही राखी ने 1963 में फिल्म निर्देशक अजय बिस्वास से शादी कर ली थी। शादी से पहले अजय बिस्वास एक जाने माने पत्रकार हुआ करते थे। राखी की यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और उनका तलाक 2 साल बाद 1965 में हो गया। उसके बाद उन्होंने 15 मई 1973 में मशहूर गीतकार गुलजार से शादी कर लिया। उनसे उन्हें एक बेटी मेघना गुलजार है। मेघना गुलजार माता पिता से अलग होने के बाद अपने पिता गुलजार के साथ रहती हैं। मेघना इन दिनों बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म निर्देशकों में गिनी जाती हैं। आइए आपको बताते हैं गुलजार से उनकी दूरी की वजह। राखी ने विवाह के कुछ समय बाद पति गुलजार को छोड़ दिया था, जिसकी वजह राखी का गुलजार को बिना बताए फिल्म कभी कभी करना था। गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करे। इस बात से नाराज होकर राखी ने गुलजार का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, वो अलग जरूर रहते हैं। उस वक्त उनकी बेटी मेघना की उम्र महज 1 साल ही थी। राखी गुलजार ने 1967 में 20 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म वधुवरण से की। उन्होंने अपने करियर में बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। फिल्म वधुवरण के दौरान राखी की अदाकारी से पहली बार सुनील दत्त प्रभावित हुए और वो उन्हें रेशमा और शेरा के लीड किरदार के तौर पर लेना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही राखी ने फिल्म जीवन वृत्त को साइन किया और फिल्म में उन्होंने लीड भूमिका निभाई। ये फिल्म राखी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जिसको राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ओर से तैयार किया गया। 1970-74 तक राखी बॉलीवुड में आशा पारेख के बाद दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्टर बन गई। 1971 में फिल्म शर्मिली में राखी गुलजार को पहली बार बॉलीवुड फिल्मों में डबल रोल के लिए मौका मिला था। उसमें उन्होंने शशि कपूर और धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया। इसी साल उन्होंने फिल्म लाल पत्थर और पारस में भी लीड भूमिका निभाई। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुईं। इसी के साथ राखी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल हो गईं। राखी ने अपने फिल्मी करियर में करीबन 95 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर उनकी फिल्में शशि कपूर के साथ रहीं। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म पिघलता आसमान थी, जो कि 1985 में आई थी। ये फिल्म भी शशि कपूर के साथ थी। राखी को पहली बार हीरा पन्ना से बॉलीवुड सुपरस्टार देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म बनारसी बाबू जोशीला और लूटमार में भी देवानंद के साथ एक्टिंग की। राखी ने फिल्म इंडस्ट्री को उस समय सबसे बड़ा झटका दिया जब उन्होंने फिल्म आंचल में राजेश खन्ना की भाभी के किरदार को निभाने के लिए कहा। यह फिल्म भाभी और देवर के रिश्ते पर आधारित थी, हालांकि बाद में यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। विधवा माँ के किरदार में आज भी हिट है राखी। 1980 से 1990 के दौर में राखी ने फिल्मों में एक विधवा माँ के किरदार निभाने शुरू किए, जिसकी शुरुआत उन्होंने राम लखन से की। इस फिल्म में राखी के किरदार के साथ फिल्म में उनके संवाद को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। राखी ने अपनी अंतिम फिल्म शुभ मुहूर्त की, जो कि 2003 में बनी थी। इस फिल्म से उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में दूसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। इन दिनों राखी फिल्मों में सक्रिय नहीं है। इस बात का उन्हें अफसोस रहता है कि उन्होंने फिल्मों के दौरान बेहतरीन नृत्य नहीं सीखा। उनका कहना है कि अगर ऐसा कर पाती तो वो अपने फिल्मी करियर में कुछ और बेहतरीन फिल्मों को शामिल कर सकती थी। राखी गुलजार को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक ऐसे किस्से ने
राखी की जिंदगी को बदल दिया। दरअसल शादी से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। गुलजार राखी के फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, जिसे राखी ने स्वीकार भी किया था। राखी को उम्मीद थी कि बाहर की फिल्मों में नहीं, लेकिन उन्हें अपने पति की फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन राखी को गुलजार ने एक भी फिल्म में साइन नहीं किया। वहीं राखी को रोज अलग अलग निर्देशक अपनी फिल्मों के लिए प्रस्ताव दे रहे थे। वो जब गुलजार से कहती तो उन्हें अपनी फिल्म में क्यों नहीं ले रहे, तो वो बहुत ही क्रूरता से पेश आते थे। ऐसी खबरें रही कि दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े आए दिन होते रहते थे। गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी थी। वो पूरी तरह से काम में डूबे थे और राखी अकेले बैठी नाराज हो रही थी। फिर सबसे बुरा तो तब हुआ जब फिल्म के कलाकार संजीव कुमार और सुचित्रा सेन पार्टी कर रहे थे। संजीव कुमार ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जब सुचित्रा अपने कमरे में ले जाने लगी तो संजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहीं जाने नहीं दिया। इसे देखकर गुलजार उन्हें बचाने आए। एक ओर संजीव ने सुचित्रा का हाथ पकड़ रखा था, तो दूसरी ओर गुलजार छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ खींच रहे थे। आखिरकार गुलजार ने उनका हाथ छुड़ा लिया। वो सुचित्रा को उनके कमरे में छोड़ने गए। फिर उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। जब सुचित्रा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो लौट रहे थे, तो रास्ते में राखी खड़ी थी। वो जानना चाहती थी कि उन्हें अपनी आकर्षक हीरोइन को छोड़ने उसके कमरे तक क्यों जाना पड़ा था। गुलजार नहीं चाहते थे कि ये बातें वहां खड़े लोगों के सामने हो, तो उन्होंने टालने वाली बात और किनारे से निकलने लगे। इस पर राखी ने उनका रास्ता रोक लिया और सवाल करने लगी। वहां तमाशा खड़ा हो गया। साथ ही सोर्सेस की माने तो वहीं राखी को गुलजार ने बुरी तरह पीटा। फिर गुलजार अपने कमरे में शराब के नशे में धुत पाए गए। यह अनुभव राखी के लिए एक बहुत त्रासदी था। गुलजार ने उनसे बेतहाशा कोशिशें की कि राखी का दिमाग बदले, लेकिन वो भूली नहीं कि कैसे गुलजार ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया था और इसी चिंगारी से इनका पूरा दाम्पत्य जीवन खाक हो गया। तो ये है राखी की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।